कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी के जीवन में हमारे गुरुओं का बहुत महत्व होता है। वे ही हमें जीवन को जीने की कला सिखाते हैं। माता पिता के बाद हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हमारे गुरु ही होते हैं, जिनके दिए ज्ञान से हमारा जीवन चमकता है। हमारे जीवन में शिक्षक का कितना महत्व होता है, इस बात को हम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के उदाहरण से समझ सकते हैं। रामकृष्ण जी प्रेम मार्गी भक्ति के समर्थक थे और माँ काली के उपासक। उनके द्वारा दी गई शिक्षा और ज्ञान का ही परिणाम था कि स्वामी विवेकानंद ने दुनिया भर में हिंदू धर्म का पताका फहराया और अपने विचारों की वजह से आज सबके आदर्श बने हुए हैं। और ये सब वे अपने गुरु की वजह से ही कर पाए। दोस्तों, भारत में हर साल 5 सितंबर का दिन राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती भी होती है और उन्हीं के योगदान और उपलब्धियों को श्रद्धांजलि देने के लिए शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में राधाकृष्णन जी ने अपना अहम योगदान दिया। उनकी मान्यता थी कि यदि सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज की अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। ऐसी महान हस्ती का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना हमारे लिए गौरव की बात है। डॉक्टर राधा कृष्ण जी के व्यक्तित्व का ही असर था कि 1952 में उनके लिए संविधान के अंतर्गत भारत के पहले उपराष्ट्रपति का पद सृजित किया गया। उन्होंने चेन्नई के प्रेसिडेंट कॉलेज और कोलकाता विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में काम किया। 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथ ही इसी वर्ष भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ। 1963 में ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट के मानद सदस्य के रूप में भर्ती हुए। साथ ही वे अपने जीवन काल के दौरान मेधावी छात्र, छात्रों के बीच एक प्रसिद्ध शिक्षक भी थे। ऐसा कहा जाता है कि जब वे 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर रहे थे, तब उनके छात्रों ने उनके जन्मदिन को विशेष दिन के रूप में मनाने की अनुमति लेने के लिए उनसे संपर्क किया। पर इस पर इनकार करते हुए डॉक्टर राधाकृष्ण ने समाज में शिक्षकों के योगदान को पहचानने के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया। तभी से हर साल 5 सितंबर के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपनी तमाम उपलब्धियों और योगदान के बावजूद राधा कृष्णन जीवन भर शिक्षक के रूप में कार्य करते रहे। उन्होंने कई क्षमताओं में अपने देश की सेवा की, लेकिन सबसे बढ़कर वह एक महान शिक्षक है जिनसे हम सभी ने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखते रहेंगे। हमारे राष्ट्रपति के रूप में एक महान दार्शनिक, एक महान शिष्टाविद और एक महान मानवतावादी का होना भारत का विशिष्ट विशेषाधिकार है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए वीडियो और एक नए विषय के साथ।